आपने कबीर साहब का शब्द सुना, इस शब्द को सुनकर दुनिया या सुनाकर इस शब्द का बहुत गलत बताते, बहुत गलत रास्ते से दुनिया को लगाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, संत की रहनी और है और गृहस्थी की रहनी और है। अब यहाँ कबीर साहब ने कह दिया कि साहब काहे में मिलेगा, सबूरी में मिलेगा सबर, वहाँ कोई ख्वाहिश नहीं है, बात समझ गए ना। उन्होंने कह दिया कि अगर साहब को मिलना है, मालिक को मिलना है, तो सबर करना है, सबूरी, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, जैसी उसकी मौज उसमें संत रहता है। और संत का टीचा क्या होता है, संत कहाँ पहुँचना चाहता है, संत वहाँ पहुँचना चाहता है जहाँ से वो आया। मेरी बात को पकड़ना ध्यान से, संत का टीचा दुनिया नहीं है, संत के ख्वाहिश दुनिया नहीं है, संत को धन दौलत इज्जत मान की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है अपने उस आधार की, उस मालिक की, उस स्रोत की, जहाँ से उसकी सुरत इस दुनिया में आई। बात समझ गए। अब क्या हर इंसान को उसकी इच्छा है, हर इंसान को वो शांति चाहिए, हर इंसान को वो आनंद चाहिए? दुनिया का आनंद तो धन में है, या बाल बच्चों में है, या प्रोग्रेस में है, या तरक्की में है। तो इसलिए संत आते हैं, वो दो तरह की शिक्षा देते हैं। एक शिक्षा के पहले ब्रह्म बनो, जो बाबा फकीर जी महाराज का आदेश है, ब्रह्म बढ़ो, शिक्षा में बढ़ो, धन में बढ़ो, हर फील्ड में तरक्की करो, बड़े बड़े ऑफिसर बनो, जज बनो, कमिश्नर बनो, पर पॉलिटिशियन ना बनो। क्या क्या कहा मैंने, क्योंकि पॉलिटिशियन की दुनिया और है, वो धर्म की तरफ आ ही नहीं सकता, वो इस इंसानियत के या संतों के मत में कभी आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी से कहता हूँ। इसलिए नौजवानों के लिए शिक्षा और है, माताओं बहनों के लिए शिक्षा और है, और बुजुर्गों के लिए शिक्षा और है। ये जो शब्द कबीर साहब का बेटे ने गाया, ये उनके लिए है जो उस मालिक को मिलना चाहते हैं, जिसका धन दौलत के कोई प्यार नहीं है, जिसका इज्जत मान से कोई प्यार नहीं है, जो न मान चाहता है, न धन चाहता है, न दौलत चाहता है, वो केवल उस मालिक को चाहता है। इसलिए वो सबूरी क्या है, वो अंतिम शांति है, वो अंतिम शांति है। शांति कितने प्रकार की, शांति तीन चार तरह की है। एक है शरीर की शांति, भूख लगी, प्यास लगी, थोड़ी शांति भंग, थानू तद तक शांति नहीं आनी जब तक पानी न पीने मिले। क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बात को समझो, भूख लगी है, पेट न पईया रोटियां, सब गल खोटियां, बात सुनो, भूख लगी तुसी नाम जपोगे, प्यास लगी तुसी नाम जपोगे, घर में झगड़ा है तो तुसी नाम जपोगे, पति की पत्नी से नहीं बनती तुम नाम जपोगे, धन की जरूरत पूरी नहीं है, पैसे नहीं है, गुजारा नहीं है, वो क्या नाम जपेगा? नाम केवल वो जप सकता है जो पूर्ण है। पूर्ण पूर्ण कब बनोगे, जब तुम्हारे आय का अपना साधन है, तुम किसी की रोटी नहीं खाते हो, अपनी रोटी खाते हो, अपनी कमाई की रोटी खाते हो, हक हलाल की कमाई की रोटी खाते हो, तो घर में भी सुख होगा, शांति होगी, सब कुछ होगा। एक शांति। दूसरी है मन की शांति, कोई घटना घट गई तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, तो मन को शांति देने के लिए संतों ने या महापुरुषों ने या साधुओं ने या ऋषियों ने कहा पे कोई सहारा ले लो, किसी का सहारा लो, सहारा मिल गया तुम्हारी शांति। जैसे बच्चा बाहर खेल रहा है, किसी बच्चे ने उसको मार दिया, वो रोने लग गया, तो कहाँ दौड़ेगा? माँ के पास।
माँ कहेगी कोई गल नहीं बच्चा तू भी तकड़ा हो, तू भी मारना, बात समझ गया ना। तो बच्चा भी सहारा चाहता है और बुजुर्ग भी सहारा चाहता है। औरत को पति का सहारा है, पति को औरत का सहारा है, बच्चों को माँ बाप का सहारा है ना दुनिया में। तो सहारे के बगैर कोई नहीं जी सकता। सहारा भी ज़रूरी है समाज में रहने के लिए। संत को सहारा केवल उसका होता है और किसी का नहीं। वो मौज में रहता है, वो परवाह नहीं करता, उसकी देखभाल मौज मालिक करता है। ये मेरा अनुभव हो गया कि जब मैं उसका हो गया हूँ तो वो मेरा है, मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ना मैंने मांगा, कभी नहीं मांगा, क्योंकि मेरे को सतगुरु बाबा फकीर जी मिल गए, इसलिए मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ रहे हैं। एक है आत्मिक शांति। आत्मिक शांति तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान, ज्ञान होना लाजमी है कि ये बात ठीक है या गलत है, ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। विवेक, इसलिए सत्संग है, बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग में पता लगता है कि असलियत क्या है। असलियत ये है कि उस मालिक के बगैर इस दुनिया में बाकी कुछ भी नहीं। ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई धर्म स्थान है, ये सब हमने बनाए हैं। इसलिए वो हमें शांति, मानसिक शांति देंगे, आत्मिक शांति वो तुम्हें नहीं दे सकते। अगर कोई संत है, अगर कोई संत है और वो उस शांति में रहता है, वो शांति दे सकता है। अगर भाषण करने जानता है तो वो भी आपको आत्मिक शांति नहीं दे सकता। मैं क्या कह रहा हूँ। एक है आध्यात्मिक शांति, वो है मेरे अपने रूप की शांति। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, इनमें रहने वाली एक और चीज़ है। जब तक उसका अनुभव ना हो जाए तब तक भी शांति नहीं मिलती। वो उसको कहते परम शांति। वो है परम शांति। वो उसमें माल मेरे बाबा फकीर जी महाराज बताया करते थे, उसमें क्या होता है, वो एक शांत तालाब है, तालाब शांत। उसमें आप कंकर फेंक लेंगे ना, तालाब में कंकर फेंकेंगे, उसमें लहर उठेगी। वो लहर कहाँ जाकर ख़त्म होगी, आगे जाके ख़त्म हो जाएगी, और वो शांत का शांत रहता है। संत के ऊपर भी मौके के, काल के, समय में घटने वाली घटनाओं का असर होता है, लेकिन कितनी देर रहता है, उतनी देर जितनी देर उस तालाब में वो कंकर फेंका और वो अंत में जाके शांत हो गया। मेरी बात समझ गए। तो क्योंकि वो दुनिया में रहता है, अगर कबीर साहब ने ये जो सब कुछ लिखा, सारी दुनिया के बारे में लिखा, साधुओं के बारे में लिखा, गृहस्थियों के बारे में लिखा, उनकी किताब को पढ़ के देखो, उन्होंने देखा तो तभी लिखा ना। कबीर साहब ने देखा तभी लिखा ना, वैसे थोड़ी लिख दिया। काहे रे मन डो, ये तो उसकी बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी है, अरे मन धीरज काहे ना धरे, ये भी उनका शब्द है। इसका मतलब उनका भी मन कभी डोला होगा, तभी कहा है ना, ऐसे तो लिख दिया, अरे मन धीरज काहे को धरे। उन्होंने महसूस किया कि मन मेरा भी धैर्य नहीं डालता, कोई घटना घटी होगी, इसलिए उन्होंने वो शब्द लिख दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, आज एक शब्द निकालो, जब दया गुरु की हुई। मैं आज आपको बात सुनाता हूँ, ये बात कब बनेगी, ये बात कब घटना घटेगी, ये हालत कब आएगी, जब गुरु की दया होगी। गुरु जो पूर्ण है, जो परम तत्व के रूप में बैठकर हमें ज्ञान देता है, जिसके जिंदगी के सारे अनुभव उसके सामने हैं, अनुभवी पुरुष, वो पूर्ण पुरुष है। जिसका अनुभव नहीं है वो पूर्ण पुरुष हो नहीं सकता। पढ़ो राधा स्वामी, सा पानी गर्म हो। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। अब दाता दयाल जी महाराज के शब्द की पहली लाइन है, जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। अब मुझे नहीं पता दाता दयाल जी महाराज ने किन चरणों की बात की है,
सीधी बात है, मुझे नहीं पता वो किन चरणों की बात करते हैं और क्यों कहते हैं कि जब दया गुरु की हुई, इसका मतलब गुरु और है, चरण और है, गुरु और है, दया गुरु ने करनी है, उसकी दया से चरणों की भक्ति मिली। तो गुरु के चरण क्या है? बाबा फकीर ने तो दावे से कहा कि ये चरण वो नहीं है, इन चरणों को बेशक पूजते रहो, दो दो कर पी लो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्या वाह मेरे बाबा फकीर, ये वो चरण नहीं है, वो चरण तुम्हारे अंदर आत्मिक प्रकाश है, आत्मिक प्रकाश तुम्हारे अपने, तुम्हारी अपनी आत्मा का प्रकाश, उसको कहते हैं चरण। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, प्रकाश के बगैर ज्ञान है ही नहीं, प्रकाश के बगैर, रोशनी के बगैर जहाँ कुछ नजर ही नहीं आता वहाँ आपको क्या ज्ञान होगा, अंधेरा है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिख दिया, बहुत क्लियर शब्दों में लिख दिया, जग में घोर अंधेरा भारी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अंधेरा है, किसी को ज्ञान नहीं है, सब अंधेरे में भटक रहे हैं, कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है, कोई किसी गुरु को मानता है, कोई किसी देवी को मानता है, कुछ देवता को मानता है, कोई तीर्थ स्थान को मानता है, कोई गंगा को मानता है, कोई जमुना, क्या है ये सब अंधेरा है, इनमें असलियत नहीं है। जग में घोर अंधेरा बारी, तन में तम का भंडारा, तम कहते हैं अंधेरे को, अंदर भी ओ अंधेर ही अंधेर है, जब बाहर अंधेर अंदर भी अंधेर, तो कहाँ जाओगे। इसलिए आज दाता दयाल जी महाराज को मैं वो शब्द सुना रहा हूँ जो बताता है कि गुरु की दया है क्या, वो सुनो। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। पढ़ो। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, सब निबलता मिट गई, चरणों की शक्ति मिट गई। निबलता कहा, निबलता मिट गई। निबलता भी तीन दो प्रकार की है खास तौर पर, एक शरीर की निबलता, एक मन की निबलता। जिसका शरीर कमजोर है, जिसके शरीर में असली ताकत नहीं रही, जाया हो गई, जाया कर दी गई अज्ञानता से या ज्ञान से, जैसे भी मर्जी, वो शरीर कमजोर होगा, वो निबलता कभी नहीं जाएगी जब तक के संत सतगुरु की बात पर चलते हुए वो अपने आप को कंट्रोल में, नियमों के अनुसार जीवन नहीं गुजारता। तो वो कहते सब निबलता चली गई, निबलता कब गई, जब गुरु ने बताया कि ऐ इंसान तेरे अंदर जो भगवान का असली स्थूल रूप है, बात को समझो, मालिक का जो असली स्थूल, मालिक के रूप कितने हैं, मालिक का जो स्थूल रूप है वो तेरे अंदर वीरज की शक्ति है, वो है मालिक का स्थूल रूप, और वो है ब्रह्मा, वो ही संतान को पैदा करने की शक्ति रखता है। तो जब इंसान को इस बात का ज्ञान हो गया, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, तो वो फिर सेल्फ कंट्रोल करता है, संभल जाता है, ठहर जाता है, और उसकी शरीर की निबलता दूर हो जाती है।
जब शरीर की निबलता दूर होगी तो फिर मानसिक निबलता भी दूर हो जाएगी। तुम एग्जाम्पल देना, एक अच्छे नौजवान माँ बाप हैं, उनका बच्चा जो है वो जब पैदा होगा वो भी खूबसूरत होगा, हंसता खेलता होगा, वो ची 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 री री नहीं करता और किसी और गरीब का या कमज़ोर आदमी माँ का बच्चा देखो वो रोता ही रोता है। ये बाबा फकीर जी कहा करते थे, कमज़ोर बच्चा जो कमज़ोर माता पिता से पैदा हुआ वो कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। मेरी बात को पकड़ो, वो भी शारीरिक रूप से ही पैदा कमज़ोर हुआ और वो निर्भय कभी नहीं होगा, उसमें हमेशा भय रहेगा, वो डरता रहेगा, वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए जब गुरु मिल गया, ये ज्ञान हो गया, ओहो असलियत तो वो मेरे अंदर है स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में, वो मेरा विचार है, संकल्प है। सूक्ष्म रूप में ईश्वर तुम्हारे अंदर संकल्प है, विचार है, सबसे पहले जो तुम्हारे अंदर पैदा हुआ, और कारण रूप में वो तुम्हारे अंदर प्रकाश है, प्रकाश है तुम्हारे अंदर कारण रूप में, और महाकारण रूप में वो तुम्हारे अंदर सुरत है। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ? तो वो मालिक कहाँ है? कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर उसकी अंश बैठी है, उसको पहचानो तो क्या हो जाएगा? सब निर्मलता मिट गई। फिर आगे क्या हुआ? सब निर्मलता मिट गई, निश्चय की शक्ति निश्चय हो गया, विश्वास हो गया, ठहर गया आदमी, भटकना खत्म हो गया। कभी वहाँ जा, कभी वहाँ जा, कभी वहाँ जा, कभी वहाँ जा, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जो गुरु को धारण करने के बाद ऐसे भटकता फिरता है, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, उसको ज्ञान नहीं हुआ, उसको सहारा नहीं मिला, उसको असलियत का पता नहीं लगा, वो दौड़ेगा, वो बैठेगा नहीं। और मैं भाग्यशाली हूँ, 18 साल की उम्र में मास्टर मोहनलाल के घर में मैं हाजिर हुआ, और 1956 आज कौन सा साल जा रहा है आप जानते हैं। मैं न कोई जगह गया ना मैं किसी, मैं दावे से कहता हूँ मैं नहीं किसी को भी मानता। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। और मैं उससे भी आगे कह देता हूँ, उन्होंने कह दिया ना परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः, प्रकाश उसको कह दिया, बस उस शब्द लिखने वाले ने वहीं रुक गया। क्या कहा उसने? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म क्या है? प्रकाश, प्रकाश और तो कुछ नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। गायत्री मंत्र में प्रकाश को ही प्रणाम किया गया है, उसी को कहा गया है कि इसको प्रकाश को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ। मेरे बाबा ने इससे आगे का बात बता दी, गुरु शब्द ब्रह्म, गुरु शब्द ब्रह्म, गुरु पार ब्रह्म, जो पार ब्रह्म है वो तो गुरु के चरण हैं, वो गुरु के पांव हैं और शब्द गुरु है। इसलिए कबीर साहब ने कहा गुरु शब्द को मानिए, बहुते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर मत मार। क्या कहा मैंने? मेरी बात समझे आप लोग, सत्संग में आए हो, बात को पकड़ने की कोशिश करो। और आगे आगे सत्संग में आओ, संग सत्ता हो गया, बस यही रुक जाओ। आ गए सत्संग में
और संग सत का हो गया। अब वो सत क्या है? दाता दयाल ने तो लिख दिया कि सत्संग में जाओगे तुम्हारा मिलन सत से हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि सत्संग में गए तो तुम्हारा गुरु से मेल हो जाएगा या गुरु के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे खड़े हो जाते हैं ना लोग, ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे, जैसे बंधुए मजदूर होते हैं। सत्संग से मेल नहीं हुआ। सत्संग क्या, सत क्या है? इस दुनिया में जो कुछ भी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सत्य नहीं है। सुनते जाओ, जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सत्य नहीं है। जो कुछ भी तुम संकल्प करते हो अंदर अपने, विचार करते हो, वो भी सत्य नहीं है। तो फिर क्या सत्य हुआ? फिर सत्य क्या हुआ? शरीर में बैठे हैं हम तो देखेंगे, शरीर में बैठे हैं हम तो देखेंगे, जो देखा वो सत्य नहीं है। बात समझे? मन में बैठे हैं हम, मन में विचार पैदा होगा होगा, चाहे वो संत है, चाहे परम संत है, चाहे साधु है, चाहे गृहस्थी है, उसके अंदर संकल्प पैदा होगा, वो संकल्प भी सत्य नहीं है। अब दूसरी बात, तो क्या फिर शरीर सत्य है? ये आंख जो है ये सत्य है? नहीं, जब तक मैं हूं ये है, जब तक मैं हूं कान है, जब तक मैं हूं मैं बोलता हूं, जब तक हूं मैं खा रहा हूं। मेरी बात समझ गए? वहां ये नहीं है शरीर, वहां नहीं है शरीर। तुम्हारा कुदरत का बनाया हुआ एक ढांचा है, जिसने बनाया वो तोड़ भी देगा, कभी भी तोड़ेगा। मेरी बात को पकड़ो, क्या कोई सदा शरीर रहा? संतों का भी नहीं रहा, महापुरुष भी ऐसे चले गए, छोड़कर गए कि नहीं गए। फिर हमारा विचार किसने निकाला? मन ने। तो क्या मन सदा है? बचपन में मन और था, माँ की गोद में तो थे मन था ही नहीं, बड़े हुए और मन हो गया, शादी हुई मन का रूप और बदल गया, फिर गृहस्थ में गए मन और हो गया, फिर मैं अपनी स्टेज में आया तो मन और है, बिजनेसमैन का मन और है, पॉलिटिशियन का मन और है ना, सबका अलग अलग मन है। तो वो मन भी सदा रहने वाला नहीं है, ना संकल्प सदा रहने वाला है, वो बदल जाएगा। तो रहने वाला फिर कौन है? सत्य कौन है? सत्य केवल दो चीजें हैं, पारब्रह्म और शब्द ब्रह्म, और वो भी तुम्हारे अंदर है। प्रकाश आत्मा, तुम्हारी आत्मा सत्य है, और शब्द सत्य है। शब्द किसका? तुम्हारी सुरत का शब्द है, वो भी सत्य है, बाकी और कुछ भी सत्य नहीं है। क्या कहा? आ गए सत्संग में, संग सत का हो गया। क्या मैंने ठीक गलत कहा? इस पर विचार करो, वो सत्य तुम्हारे अपने अंदर है, शरीर के अंदर है। ये शरीर जो है ये बहुत बड़ा महल है, यही मंदिर है, यही गुरुद्वारा है, यही मस्जिद है, और यही अल्लाह का घर है, यही वाहेगुरु का घर है, यही राम का घर है, यही रहीम का घर है। कहाँ भागे फिरते हो? मेरी बात समझ गए? बुल्ले शाह ने बड़ा अखर संत था, बड़ा ही अखर संत, वो भी गया श्री गुरु अर्जुन साहब के पास। ऐसा मेरे संत किसी ने बताया कि महाराज मेरी वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित कर दो। वह बोलिया तेरी वाणी बहुत अखड़ है,
इस भगती नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें श्रद्धा नहीं है। और क्यों कह दिया उसने, वो मंदिर बढ़िया मस्जिद बढ़िया अपने अंदर कदी ना बढ़िया, फैसला ही कर दिता। बुल्ले शाह ने मंदिर बढ़िया मस्जिद बढ़िया तू बंदिया अपने अंदर कदी ना बढ़िया, ये उसकी बाणी है। अब क्या बाणी ये ऐसी गुरु ग्रंथ में आ सकती थी, नहीं आ सकती थी। बात समझ गए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भक्ति मार्ग है, श्रद्धा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, अक्खड़ बाणी नहीं है वहाँ, उल्टी बाणी नहीं है ऊंची भाई ऐसे कह दो ऐसे कह दो, नहीं, वहाँ प्रेम का शब्द है, प्रेम का है वहाँ सब कुछ, जो कुछ है वो भक्ति मार्ग से हमें शक्ति मार्ग में ले जाता है। जब तक भक्ति नहीं तुम्हारे में शक्ति आ नहीं सकती, तो पहले गुरबाणी को पकड़ो, समझो क्या कहती क्या है। हम उसको तो पकड़ते नहीं, सुनते हैं बस, सुन लिया बात खत्म हो गई, बात समझ गए। इसलिए किसी संत ने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे किसी का हृदय टूटे, ना सबको खड़ा किया, सब संतों ने अपने अपने ढंग से इंसान को खड़ा करने की कोशिश की है। और यही बात दाता दयाल कह रहे हैं, आ गए सत्संग में संग सत का हो गया। आगे क्या हुआ फिर, आ गए सत्संग में संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही और गुरु के मत का हो गया। बात क्या हुई, दुर्मति चली गई, बुरा सोचना चला गया, चुगली निंदा बुराई सब छोड़ दी, पता लग गया कि मैं किसी के बारे में क्यों बुरा सोचूं, मैं किसी के बारे में क्यों बुरा बोलूं। क्योंकि संतों ने कह दिया कि जो तुम बोलोगे वो ही तुम्हारे पास वापस आएगा, जो तुम सोचोगे वो ही तुम्हारे पास वापस आएगा। इसलिए संतों ने कह दिया, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब मन देखा अपने मुँह से बुरा ना कोई, मेरे तो बुरा तो दुनिया से कोई है ही नहीं। और गुरबाणी में लिखा एक शब्द, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, बोले वाह क्या बात कही, एक लाइन में बात खत्म, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कोई बुरा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी दुर्मति चले गई, बुरी मत, ना किसी के बारे में सोचना, ना किसी के बारे में बुरा देखना, ना किसी के बारे में बुरा कहना, तीनों बंद लगा दिए, आँखों का भी बंद लग गया, मुंह का भी बंद लग गया और कान का भी बंद लग गया। बात समझ गए आप, फिर क्या मिला, गुरु के मत का हो गया। गुरु का मत है क्या, गुरु का मत, मत कहते राय, मत कहते एडवाइस, मत कहते मती को देना समझाना कि बच्चा आ नहीं गल ऐदा कर, इसको कहते हैं मत, हम समझ गए ना, वो तेरी मती मारी गई, कहते बुजुर्ग तेरी तो मती मारी गई। गुरु कहता है मैं तेरी मत को सीधे रास्ते पर लाता हूँ। वो क्या है, वो मत क्या है, संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि ऐ इंसान तू सनातन को सनातन सनातन बात को पकड़। सनातन क्या है, सनातन धर्म वालों को नहीं पता। सनातन ये कहता है कि उस मालिक ने, वो मालिक जो है उसने अपने रूप में इंसान को बनाया, उसने संकल्प किया ऐसा, बाइबल भी कहती है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, बाइबल कहती है गॉड ने संकल्प किया तो एक एडम को पैदा कर लिया, अंग्रेजी में एडम कहा, और आदमी आ गया। और इस्लाम धर्म में कहते हैं कि अल्लाह ने कुन कहा कुन, और एक इंसान को उन्होंने पैदा कर दिया, उसका नाम हव्वा रखा, हव्वा,
और हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मालिक ने अपने मन से एक संकल्प किया और मनु पैदा कर दिया। अब मेरी बात समझ रहे हैं, मनु, मनु कहते पहला आदमी था। तो ये सारी बातें मिलती हैं आपस बात में। और जब इंसान ने महसूस किया कि मैं अकेला हूँ, तो बाइबल कहती है कि बड़ा बाग, फर्स्ट क्लास बाग दे दिया उस एडम को रहने के लिए। तो एक दिन एडम ने उनको शिकायत की, महाराज मैं अकेला उदास हो जाता हूँ। अच्छा, कहते ले तेरे शरीर से इधर से एक रिब निकाली, एक हड्डी निकाली और उसको खड़ा किया, ये वो मैन, ये इंसान को प्यार करने वाली औरत, ये तुम दोनों रहो। जहाँ जो मांगोगे, जो संकल्प करोगे, जो विचार करोगे, तुम्हें मिल जाएगा। पर ये एक पौधा है, एक पौधा है, इसका फल नहीं खाना। जय फात खाओगे तुम्हें सजा मिलेगी, ये बाइबल कहती है। ऐसे ही हमारे दूसरे शास्त्र भी कहते होंगे। तो ये बात देखकर शैतान को, शैतान, शैतान भी है ना, जहाँ संत है वहाँ शैतान भी है, जहाँ नेकी है वहाँ बदी भी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो शैतान ने सोचा कि देखो हम लोग तो तड़पते हैं, ये बगीचे में रह रहे हैं, कोई इनको कष्ट नहीं, तो हम तो भटकते फिरते हैं। तो कहते शैतान ने सांप का रूप धारण किया, सांप का, सांप का, वैसे तो अंदर जा नहीं सकता था, सांप का रूप धारण करके वो उस बाग की, बगीचे की दीवार के नीचे से खुद निकाल कर अंदर चला गया उस बगीचे में, और वहाँ जाकर अपना रूप बदल लिया। अंदर जाने के लिए सांप बना, वहाँ जाकर रूप बदल लिया। ये बाइबल में लिखा है और मैंने पढ़ा। फिर क्या किया, वो कहने लगा, ईव था, जो ईव औरत थी, एडम, ईव जो औरत पैदा की गई उसका नाम ईव था। ईव को कहने लगा, ईव बहन जी, वो देखती कौन बोला, सामने खड़ा हो गया, कहता देखो भगवान ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है, ये सब फल ये खा लो वो खा लो, ये जो लगा है ये तो मैंने खाया है, ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम क्यों नहीं खाते। वो कहती नहीं, हमें आज्ञा नहीं, हमने नहीं खाना, हमने नहीं खाना, हम नहीं खा सकते। लेकिन फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, बार बार उसको कहा, देख मैं ये बन सकता हूँ, मैं वो बन सकता हूँ, सांप बन गया। उन्हें क्या भी बाकी गल ठीक है, सांप बन गया, ये फल तो बड़ी ताकत है। तो उन्हें शैतान दे बदले, शैतान दे कहन नाल वो फल तोड़ लिया। वो फल था विवेक का, ज्ञान का। वो जब खाया, आप भी खाया, ले गई एडम को, आप फल खाइए, आ खा खा के दुखी हो गया सी, क्या करना, ये भी देख लो खा के। जैसे दोनों ने खाया तो भगवान हाजिर, कहते आपने मेरा प्राण तोड़ा, आपने मेरा प्राण तोड़ा, अब आप इस बाग में नहीं रह सकते, अब मात लोग में जाओ, मात लोग नहीं, जहाँ मृत्यु लोग में जाओ, संतान पैदा करो और अपनी कमा के खाओ, तुम्हें रोटी ऐसे नहीं मिलेगी, अपनी कमाई का के खाओ। उस वक्त ईव और एडम ने सोचा कि हमारे साथ धोखा किया, किसने, सांप ने, धोखा किसने किया, सांप ने। तो उन्होंने वहाँ कसम खाई कि हमारी जो औलाद होगी आगे, वो हमेशा इस सांप के सिर के ऊपर डंडा मार के उसको मारेंगे। आजकल क्या हो रहा, सांप डंडे से मरता है ना, जब तक सिर पर ना लगे वो नहीं मरता, ये उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये प्रमाण चले आ रहे हैं, किसके, संकल्प के, विचार के। अगर तुम्हारा विचार ठीक है, तुम्हारी जिंदगी ठीक है, अगर तुम्हारा विचार नेक है, तुम्हारा भाव सागर शांतमय रहेगा, तुम्हारी दुनिया सुखमय रहेगी, तुम्हें ईर्ष्या किसी से नहीं,
तुम्हें द्वेष किसी से नहीं, तुम्हें शत्रुता किसी से नहीं, किसी से आपको किसी तरह का झगड़ा नहीं, तो फिर तुम्हारी दुनिया कितनी सुंदर होगी। इसलिए संतों ने कहा, जब से साध संगत मोह पाई, बिसर गई सब तात पराई, ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बन आई। क्यों कहा? ये संत मत है, ये गुरु मत है कि हमको किसी डेरे से कोई द्वेष नहीं, हमें किसी भी सत्संगी से कभी ये नहीं ख्याल आता कि ये तो वहाँ का सत्संगी, मैं इससे क्यों बात करूं। यह तो फैज का दर खुला है, बंद वह हरगज नहीं, पर शर्त ये है कि मांगने कोई साइल आए, कोई आए तो सही इच्छा से कि मैंने वहाँ जाना है, वहाँ सत्संग मिलता है, वहाँ जमघटा नहीं होता। बात समझ गए? जहाँ वहाँ ताली नहीं बजती, वो सत्संग हो ही नहीं सकता जहाँ ताली बजती है, वो सत्संग हो ही नहीं सकता जहाँ औरतों को नाच नचाया जाता है, वो कथा हो सकती है, मनोरंजन हो सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बात मेरी समझ गए? तो गुरु मत क्या हुआ? ऐ इंसान, अपने विचार को देख। मुझे गुरु मत कब मिला, मुझे गुरु मत कब समझ आई? जब मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने कहा, पहले ये समझाया कि बूटा लगाना है तो ऐसा लगाना जो फल दे, जो फूल दे, नहीं तो उसको पानी नहीं देना। मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ। दूसरी, उस पर मोर तब लगा दी जब मुझे कहा, बच्चा मन की किताब पढ़ा कर। लो, वो मोर लगा देती, मेरी तो सारी गुरुमत का पल्ला पर गया। गुरुमत ने ये कहा, मन की किताब पढ़, तो मुझे पाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही, कहीं जाने की जरूरत नहीं रही। दोनों बात समझ में लग गई ना? तो ये है गुरुमत। एक बात और मैं सुनाता हूँ आपके लिए, आप ये बैठे हैं, इनको सपने आते हैं, मैं अपना सपना सुनाता हूँ। मैं धर्मशाला में अकेला रहता था, थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम, वहाँ तो सर्दी रहती है, हवा ठंडी, तो मैं ताकियों को बंद करके, दरवाज़ा बंद करके कमरे में सोया, आराम, बड़ी गहरी नींद आई। उस नींद में क्या हुआ कि एक सांप आया, बहुत मोटा तगड़ा, अंदर आया और उसने जहां आकर मेरे मुछ मारा और मेरे डंक मारा और मैं तड़पता हुआ उठ गया, एकदम मैं फाड़ लिया हाथ, ओह सप लट गया। अब मेरी बात समझ रहे? तो मैं बड़ी हिम्मत से उठकर बल्ब ऑन किया, फिर आई होश कि सारे दरवाजे बंद, सारियां खिड़कियां बंद, तो सब कितों आ गया? सपना था, ये सपना था। उसके बाद परमदयाल जी महाराज वहाँ गए, मेरे बाबा फकीर जी महाराज गए, मैंने उनसे ये बात की। दो बातें सुनाऊंगा आपको। मैं कहा, पिताजी मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते, देख बेटा, जो इंसान गुरु से प्रेम करता है, गुरु की वाणी पर चलता है, उसके बहुत से कर्म, बहुत से क्या, अनेक कर्म सपने में कट जाते हैं। ये सांप तेरे लड़ना था लेकिन सपने में लड़ गया और तेरा कर्म कट गया। एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई, मेरे को विश्वास हो गया, जब कोई ऐसा सपना आता है तो मैं घबराता नहीं, सपने और कट दे, और कट दे, सपने से कट दे। मेरी बात समझिए, परमदयाल जी महाराज ने अगस्त 1969 मेरे पास हमीरपुर जाना था। मैं एक दिन पहले यहाँ आया, मेरे साथ एक सज्जन आए, तो हमने प्रोग्राम बनाया कि महाराज जी कल आप हमीरपुर आएंगे। तो मेरे साथ जो साथी था वो कहता, महाराज जी गाड़ी मैं यहाँ से बुक करूँगा,
और मैं जहाँ रात रहूँगा मैं आप सबको साथ लेके जाऊँगा। और मैंने सोचा कि मैं अब वापस चलता हूँ, जाके इंतजाम करूँ क्योंकि मारे निकालना ना, तो मैं जल्दी चला गया वापस। सत्संग सुना, बस पकड़ी वहाँ, वहाँ जाके मैंने इश्तहार छपवाए, एक बैनर बनवाया, उस पर लिखवाया महाराज जी का नाम सत्संग होगा, सारा प्रोग्राम लिखा दिया। रात आई, रात निकली गई, रात को बारिश, जहाँ भी हुशियारपुर में बहुत बारिश हुई, हमीरपुर में मेरे सारे पोस्टर ख़त्म। मैंने बाजे वाले बुला लिए थे, बाजे वाले मैंने बुलाए थे कि महाराज जी ने आना, तो मी तो पै हटिया, दिल चढ़ गया। चलो, तो मेरे साथ जज साहब रहते थे और मैं पेट्रोल पंप पर गया, मैं क्या मेरे गुरु महाराज उमरे वाकफ थे, मैं क्या मेरे गुरु महाराज ने हुशियारपुर तो आना, वो इतने रुकणगे, तुहाडा टैलीफोन करनगे तां तुसी कर लैन देना। गोपाल नूं मैं दसता सी, मेरे नाल जज रहिंदा सी, मैं जज साहब नूं कहा, मैं क्या जज साहब मेरा कोई टैलीफोन आए तो मैनूं तुसी जरूर दस देना, क्योंकि उस वेले टेलीफोन थे नहीं, 69 की बात है, कोई 2 बजे के करीब, 2 भी नहीं बजे थे अभी, तो वैसे तो मैंने इंतज़ार हो गया। मैं कहा महाराज जी वहाँ से 8 बजे चलेंगे, 4 घंटे में 12-1 बजे जहाँ पहुँचना, दोपहर का खाना तैयार कर लिया मेरी वाइफ ने, ये बच्चे उस वक्त तकड़े हो गए थे। तो जज साहब का फोन आया, कमल जी जल्दी आना। मैं कह लो महाराज जी आ गए, मैंने तो यही खुशी होनी सी ना, मैं बाबा जी आ गए। मैं एकदम उन्होंने रास्ता सी बने उतों अंदर गया, कहने अंदर आओ, अंदर चले गए। मैं देखा टेलीफोन तो है ही नहीं, टेलीफोन तक कोई गल ही नहीं, वो कहने देखो सी बार बार सप काले रंग का ऐदा फन करके खड़ा, तो उन्होंने चिड़िया शार्क जिते सप बहुत बोल दिया ना, और शार्क ने शोर मचाया, तो वह खड़ा कभी ऐं देखे, कभी ऐं देखे, कभी ऐं देखे। मैं क्या जज साहब पहला इदा करो, एक तौलिया दियो, मैं एक तौलिया दियो, क्यों मैं मारना नहीं चाहता। मैं वो तौलिया वो को ऐदा फेंकया कि दंद मार दूंगा, दंद फस जाने हैं, इन घुमा के बाहर सुट दूंगा, क्योंकि वो ऐदा दंद मारदा ना, वो दंद फिर उल्टा होंगे तो दंद निकलते, अदरवाइज नहीं निकलते। सप जब लड़ता ना, लड़के एकदम सीधा हो जाता, वो दंद निकल जाते और दौड़ जाता, उत्थे नहीं रहिंदा। उन्हें टावल नूं मोहरे डिगया, उन्हें मूँह नहीं मारिया। फिर मैं एक चादर सीटी, उन्हें भी नहीं हिलाया, सब देखे कभी है कभी है कभी मैनू देखे। मैं क्या हूँ तू मैनू ये दस कि तू मेरे तो मरन लई आया, सब नूं मैं कहा मेरे ध्यान ना सुन मेरी गल, वो मेरी वाल देख रहा, तू क्या मेरे हथों मरन आया, तो चल फिर छोटा मैं लै गया, छोटा फल लिया, तो वह तुर पिया। जल्द मैं कहना चल फिर, वो तुर पिया, तुर के नाली में आया, जल्द बाहर निकल तो मैं छोटा मार दिता, वो मर गया। चलो गल खत्म हुई, हमने पट्टी जगह उसमें कपड़े में लपेट कर उसको दबा दिया, मिट्टी दबा दी। रात को बाबा जी महाराज लेट पहुँचे बहुत, क्योंकि ये पुल गिर गया था, आपको याद होगा पंगी का पुल बह गया सी, 69 बहुत मीह पिया सी, तो उत्थे बैठे रहे महाराज जी और फिर लेट चले इतों, रास्ता खुलिया तद कदे जाके मेरे को 7 बजे शाम को पहुँचे। ओह ये तो मैनू पता मेरे तक की बीती। चलो महाराज जी बैठे, हाथ मुँह धोया, खाना खिलाया, रात को कोई गल नहीं की। मैं कहा महाराज जी थके आए हैं, इन्नी देर उत्थे बैठे रहे। मैं उन्हें कहा मूर्खा, उन्होंने मैं कहा मूर्खा तू मेरे बाबे ने इन्नी देर उत्थे बिठा रखा, तू उन्ने दे रस्ते ले आना सी उन्होंने, तू वो पुल तो जरूर आना सी, उन्ने दे रस्ते रास्ता बढ़िया सी, उत्तों आ जाना सी तूने। कहता जी गलती हो गई, मैंने कि दसिया ही नहीं। मैं कहा तू कहदा इंस्पैक्टर होया, एक्साइज का इंस्पैक्टर सी। चलो बात आई, दूसरे दिन बातचीत करने के बाद मैंने पिताजी के पास, मैं कहा पिताजी कल मेरे तो एक बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने तो यही समझिया ना कि जीव मार कर दिता मैंने। कहते बेटा क्या हुआ? मैं कहा जी कल
जज साहब के घर एक बहुत बड़ा सप आ गया तो उन्होंने मैं बड़ा ही डराया भी तू चले जा, वो नहीं गया। तो फिर मैनू मजबूरी ना उन्होंने मैं कहा भी तू जे मरने लिए आया तो चल फिर दिन मैं कह जी मैं मार दिता। कहते बहुत अच्छा किया, वो बच्चे नू लड़ सकता सी, जज की पत्नी लड़ सकता सी, वो नुकसान करता सा, तुझे अच्छा किया। अब दो बातें हो गई, बस समझ गए। जहाँ मानवता की रक्षा का सवाल आए और इंसान इंसान का दुश्मन ना हो उसके साथ हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा ऐसे जीव से जरूर मतलब है। महाराज जी बताया करते थे कि एक माँ का लड़का अगे खड़ा गल्ला कर रहे, माँ के उत्तों तो सप डिगदा, तो सप नू की करूगी, इदा सिट्टूगी। वो नहीं ख्याल करती कि मेरा मुंडा मोहरे खड़ा अपनी जान बचाउंदी। बात समझ गए? तो इसलिए जिहड़े सुपने आते तुहाडे मेरे वीर जी बड़े चंगे आ, करम कट रहे, खुश रहो। बात समझे? जो गुरु की बाणी पर चलता है उसके बुरे कर्म स्वप्न में कटते हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो गुरु मत को नहीं मानते उनके अच्छे कर्म स्वप्न में कटते हैं और बुरे कर्म वो शरीर में भोगते हैं। दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी, बात समझ गए? तो गुरु का मत क्या हुआ, आगे पढ़ो। प्रेम का प्याला पिया पीते ही मत वाला बना, प्रेम का प्याला पिया पीते ही मत वाला बना। अब दो शब्द, ये शब्द बहुत ऊंचा है। एक है दुनिया में प्यार, दुनिया में प्यार का बंधन है, प्यार के बंधन में स्वार्थ है। हमारी बात को पकड़ो, प्यार के बंधन में स्वार्थ है। चाहे तुम समाज में हो, चाहे तुम किसी धर्म में हो, चाहे कुछ भी हो, उस प्यार में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। मेरी बात समझ गए? दुनिया किसी दूसरे से प्यार तब तक नहीं करेगी जब तक तुम्हें मतलब नहीं है। तो मतलब के लिए प्यार करते हो, गुरु के साथ मतलब नहीं होता। जो गुरु से मतलब करता है वो प्यार नहीं है, वो प्रेम है। प्रेम में देना ही देना होता है, लेना कुछ नहीं। बात समझ गए मेरी? प्रेम में सब कुछ देना होता है और प्यार में लेना देना होता है। इसलिए जब प्रेम का प्याला पी लिया तो फिर कौन दूसरा तो कौन मैं, तो कौन तू तो कौन मैं, फिर मतवाला हो। मतवाला आदमी किसी की बुराई नहीं देखता, वो मत वाला है, किसी विचार वाला है, किसी असूल वाला है, किसी धर्म पर चलने वाला है, किसी गुरु के मत पर चलने वाला है, वो मत वाला है। बात समझ गए? मत वाला वो नहीं जो शराब पी के गलियां देखता, वो मत वाला नहीं है। क्या कहा मैंने? प्रेम का प्याला पिया पीते ही मत वाला बना। किसके मत का? गुरु के मत का मत वाला बना। गुरु ने ये कहा, गुरु ने ये कहा, गुरु गुरु की वाणी हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। गुरु नहीं रहता, गुरु मेरे संग सदा है नाले। कैसे? उनका वचन, उनकी वाणी। इसलिए गुरु मत में कहा गया वाणी गुरु, गुरु है वाणी बिच वाणी अमृत सारे। वाणी में सब कुछ है, आदमी में नहीं। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। प्रेम का प्याला पिया पीते ही मत वाला बना, मन की शुद्ध बुद्धि खो गई भोला बना भाला बना। क्या की शुद्ध बुद्धि भूल गया? मन की शुद्ध बुद्धि खो गई। मन की जी हाँ, मन मन रिहा ही नहीं मतवाले आदमी का मन नहीं हुंदा। दूसरे शब्दों में कहूं, जब आप अपने सतगुरु द्वारा दिए गए वचन के ऊपर चिंतन कर रहे हैं,
चिंतन सिमरन ध्यान भजन में लीन हो गए तो तुम्हें दुनिया भूल गई, तुम्हें दुनिया सारी भूल गई तो किसके हो गए तुम, किसके हो गए? क्या कहा? मन की शुद्ध बुद्धि खो गई, भोला बना वो होता है जो किसी की बुराई अच्छाई नहीं देखता। तो क्या बड़ा भोला, इन्हें दुनिया का पता ही नहीं। मेरा पुत्र तो बहुत ही भोला क्योंकि वो गल्ला नहीं करता दूजिया लोगों दिया, है ना। जेड़ा बहुत बोलता वो तो कई महाराज जी, ये मुंडा बहुत शरारती है। मैं क्या तू अपने आप में कुछ तू ना सी शरारती जैसी कोको वैसे कोको बच्चे। सीधी बात है, संस्कार माँ बाप के बच्चों को मिलते हैं और कहीं से संस्कार नहीं मिलते। बचपन से संस्कार मिलते हैं, माँ की गोद में संस्कार मिलते हैं, माँ के गर्भ में संस्कार मिलते हैं। बात समझ गए? इसलिए मेरे दाता बाबा फकीर ने तभी तो कहा, देश का कोई गुरु, कोई धर्मात्मा, कोई संत सुधार नहीं कर सकता। अगर संत सुधार कर सकते होते तो महात्मा बुद्ध सुधार कर जाता, कबीर ने इतनी वाणी लिखी वो सुधार कर जाता, तुलसी साहब ने इतना कुछ लिखा वो सुधार कर जाता, गुरु साहिबान ने हमें इतना बड़ा गहरा ज्ञान दिया गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब में, तो देखो फिर भी कोई सुधार नहीं है। दिन ब दिन इंसान की शक्ल ही बदल रही है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। केवल देश की माँ माँ देश को बना सकती है। किससे? एक बढ़िया अच्छी नेक पवित्र विचारों वाली औलाद पैदा करके, दूसरा कोई नहीं बन सकता। इसलिए मैंने एक बैसाखी पर कहा था, श्री गुरु गोविंद सिंह साहब का वचन मैंने कहा था, जननी जने तो भगत जन, जान फे जन्मे सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे कहे गो आए नूर। कितनी बड़ी ऊंची बात कह दी गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने कि माता जा तो एक सुर सुरमय पैदा करे, जा फिर कोई संत पैदा करे, महात्मा पैदा करे, नेक इंसान को पैदा करे, तो मेरे देश को कौन बना सकता है? माताएं बना सकती हैं, आदमी नहीं बना सकते, कोई गुरु नहीं बना सकता ना। माताएं गुरु से शिक्षा ले सकती हैं तब जाकर देश बदल सकता है, वरना नहीं बदल सकता। आगे पढ़ो। पांव में मस्तक नवाया, चित से धारा गुरु करन। अब फिर क्या होता है? गुरु दाता दयाल लिखते हैं, मैं अपने गुरु अपने सदगुरु के श्री चरणों में सिर नवाता हूँ। सिर नवाने से मिलता क्या है? गुरु के श्री चरणों में सिर नवाने से क्या मिलता है? जब वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे कहीं अपने आप में होते हुए, तुम्हारे अपने अपने अंदर की सारे संस्कार तुम्हारे अंदर वो इम्बाइब कर देते हैं। ये है गुरु की शिक्षा। गुरु के श्री चरणों में सिर झुकाने से मुझे जो मिला वो मैं कह रहा हूँ, मुझे दूसरों का पता नहीं है ना। मुझे उनके श्री चरणों में सिर झुकाने से क्या मिला कि मेरे अंदर एक करंट पैदा हुआ, मेरे अंदर एक लहर आई, मेरे अंदर एक जागृति आई जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। क्योंकि मैं उनके श्री चरणों में एक बहुत तीव्र इच्छा लेकर आया था, मेरी गुरु से मिलने के लिए बचपन से एक लगन थी कि मुझे गुरु मिल जाए, और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैंने उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि ये बच्चा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है,
इसके अंदर एक अग्नि है, एक अग्नि है मिलने की, बिछोड़े को दूर करने की। मैंने सिर झुका दिया, उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया और मेरे अंदर के सारे वो विचार, वो ख्याल, वो कमजोरियां दूर कर दी। क्या कहा मैंने, तो गुरु का रूप क्या है, गुरु की वाणी के हो जाना। ये नहीं कि मेरे भी दाढ़ी आ गई गुरु का रंग ये नहीं है। मुझे, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे, मैं कहीं गया और वो मेरे गुर भाई थे बाद में बने, बहुत देर के बाद में बने, उनके डेरे में मैं गया। प्रेम भी मेरे साथ था, दो चार आदमी और भी मेरे साथ थे। पहले तो उनकी समाधि देखी, वो भी एक कनाडा में रहता है आदमी रहता था, वो पहले महाराज परमदयाल जी के यहाँ समाधि को बदलना चाहता था। मैं आया मत्था टेकने, तो वो मत्था टेक, ये पहले आपने देखी होगी, तीन पत्थर थे ऐसे, है ना, ऊपर महाराज जी का स्वरूप रखा हुआ था। तो वो आदमी भी कनाडा से आया था, वो खड़ा हो गया, मेरे जानता था, मुझे जानता था, क्योंकि बड़ी देर से आता था महाराज जी के पास, वो भी बैठता था, मैं भी बैठता था। जब मैं मत्था टेक के नीचे उतर के आया तो उन्होंने मुझे, कमल जी, ओहो, मैं कहा नंद सीरा जी, मैं पहचान गया आप कनाडा तो आए हैं। कहते ये साढ़े उस महापुरुष की ये समाधि है। मैनू कहते ऐदा ऐदा हाथ किया, कहते मैं जिन्ना पैसा लग जाए, 20 लाख 25 लाख मैं दिया, ये बदल दे, ये अच्छा नहीं लगता। मैं क्या, सीरा साहब आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। अस एक छोटा कमरा होर होंदा सी, ये ना सी, ये जिते इतने ये कमरा होर तरह का सी ना, ऐदा ना सी। असं उधर बैठ गए, मैं क्या, मैं गल करता, मेरी तो ताकत कोई है नहीं। तो मैं उस वेले दे सेक्रेटरी नूं बुलाया, उस वेले मैं ना नहीं लेना, मैं क्या, देख ये अमेरिका से कनेडा से आए हैं, मेरे सतगुरु के बहुत प्रेमी हैं, ये इस बाबा जी का जो ढांचा है, मैं क्या मेरे भी पैर जल गए, गर्मियों से ठंड, बरसात से पानी, तो सर्दियों से पैर जल दे, तो चाहते हैं कि बदल दिया जाए, तो तुसी गुरु महाराज में पूछो, जाओ अंदर। तो वो गए अंदर जाके गल की, वापस आ गए। हुक्म होया कि उन्होंने कह दियो, जोड़ा भी बंदा भाई पैसे देना चाहता, पैसे दे दे, असी बना देंगे। हूँ वो कनेडा तो रहने वाला बंदा इन्ना अकलमंद, वह कहता लै वे कमाल है, महाराज जी अगर चाहते तो मैनू बुला पहले अंदर, मेरे ना गल कर दे के दस भाई तू की चाहना। असी जो कहने, कहने लै मैं इतने पैसे बंडना है, मेरे ना गल की उन्होंने सारे, वो उठे और चले गए, वो चले गए दनौद, ये जगह ही छड़ गए। उत्थे जाके उन्होंने छड़ गए सी जगह, ताराचंद जी भी श्री छड़ गए, उन्होंने ताराचंद कहता, उन्होंने उत्थे सारा पैसा दिता कि संत ताराचंद जी ये मेरे बाबा जी दे शिष्य थे, मेरे गुरु भाई थे, और आप बनाओ। वो बड़ी भव्य बनाती उन्होंने वहाँ, मैंने उसका 20-25 लाख रुपया लगा हो उस वक्त, मैं देख के आया। चलो वो कमर साहब को भी मैं मिला, बातचीत की, पहले पहले तो उन्हें मेरे नाल उदा का ही सलूक किया, भी पता नहीं कौन है फिर मैंने जड़े सारे बंदे दस्या भी एक वो है, अच्छा 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 अच्छा, तो फिर कुर्सी भी आ गई, फिर चादर भी रखती, तो फिर दुध भी पिलाने लग गए। मैं कहा वाह जी वाह, बंदे की पछाण ही नहीं इनू, चलो गल आई चलेगा। मैं आ गया वापस, कुछ दिन बाद मैं फोन आया, राधा स्वामी कमल जी, मैं कह जी राधा स्वामी भाई साहब सुनाओ कैसे याद किया। कहते महाराज जी कहते हैं
कि कमल जी दाढ़ी रख लो। मैं कहा अच्छा महाराज जी, क्या दाढ़ी रख लो? मैं कहा मैनू ये दस महाराज जी ने पूछ के कि दाढ़ी रखन नाल मेरा शक्ल तो बदल जाऊ, क्या मेरा मन भी बदल जाऊ, मेरे ते कोई होर असर हो जाऊ? कहता नहीं, वो कहते हैं कि दाढ़ी रखन नाल संत लगता बंदा दाढ़ी रखन नाल बंदा संत लगता। तो मैं कह मैं तो संत है ही नहीं, ना मैं संत बनना चाहना, वो मैं तो संगत की सेवा करन दा सेवक बनना भाई, मैं दाढ़ी वाली दे चक्कर च नहीं पैना। जिदा ना मैनू बना, जे मैनू बाबा जी ने दस्या हुंदा, मेरे दाता नूं दाता दयाल ने कहा फकीर दाढ़ी रख, महाराज जी ने मानव दयाल नूं नहीं कहा, दाता दयाल ने खुद ने दाढ़ी रखी सी। ओ देखो मेरे दाता दयाल, मैं कहा मेरे दादा गुरु दे दाढ़ी नहीं सी, मेरे गुर भाई दे दाढ़ी नहीं सी, तो मैं अपनी परंपरा क्यों तोड़ू भाई? ये दुनिया का भुलेखा, दाढ़ी रख ली तो वाह संत बन गए, बड़े तिलक ला लै और क्या, ज्यादा ज्यादा माला पा ले। दिल को साफ करो, और दिल मन से आगे है, जब तक दिल साफ नहीं होगा तुम कुछ भी नहीं बन सकते। जब तक मन में हो तुम कुछ भी बनोगे, तुम हिंदू भी हो। हिंदू शब्द तो मैं कितने देखा ही नहीं, किसी शास्त्र से हिंदू शब्द नहीं है बस, लेकिन बना दिया लोगों ने अपने लाभ के लिए। हम सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं, यही इंसानियत का झंडा कह रहा है और यही गुरुमत है। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे हमारे में इंसानियत नहीं आएगी, इंसानियत नहीं आएगी तो रूहानियत भी नहीं आ सकती। क्या कहा मैंने, रूहानियत लेनी है तो पहले इंसान बनो, इंसान बन के इंसानियत के लिए क्या क्या है, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तप अवे अविनाशी, सहक शब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्व गमाना, सत्य नाम ताहि को मिलिए कहे कबीर सुजाना। कितनी बड़ी गल कहती कबीर साहब ने कि तब मिलेगा वो जब, ये असूल है इंसानियत के, असूल मैंने बता दिए, अब मेरी बात समझ गए? आगे पाँव में मस्तक नवाया चित से धारा गुरु करण, कीट जिसको पहले था कीट जिसको पहले सब कहते थे अब ठहरा भिरम। कहते जब मैंने उनके श्री चरणों में सिर रखा तो जो कीट कीट कीड़ा वो भिरंगी बन गया। भिरंगी का तो कहानी आपको पता ही होगी, वो कीड़े को उठाकर लाती है, घर बनाती है, उसको ऊपर बैठकर अपना गुनगुनाती है और वो कीड़ा भिरंगी बन जाता है। तो गुरु के चरणों में बैठकर गुरु का रूप क्या है, गुरु की वाणी में वो बह जाता है। वो जब भी बात करेगा गुरु वाणी की बात करेगा, गुरु की शिक्षा की बात करेगा, जो गुरु के पास से बैठकर मिला उसकी बात करेगा, वो दुनिया की बात नहीं करेगा, वो ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेगा, वो परमात्मा की बात नहीं करेगा, ईश्वर की बात नहीं करेगा। अब मेरी बात समझ गए? वो पता लग जाता है कि व्हाट इज गॉड, परमात्मा क्या है, जो आत्मा का बड़ा रूप वो परमात्मा है। ईश्वर क्या है, ईश कहते हैं शक्ति को, बर कहते हैं मालिक को, जो बड़ी शक्ति का मालिक है वो ईश्वर है। बात समझ गए? इसलिए हमारे देश में क्या है कि जो ताकतवर हुआ उसकी हमने पूजा की और राजाओं को वही भगवान का रूप माना है ना, राजाओं को पूजा लोगों ने। और हमारा इतिहास तो ये कहता है कि दिल्ली में राजे ने एक जरोखा बनाया हुआ था, जरोखा, वो सुबह उठकर वहाँ खड़ा हो जाता था और दुनिया उसका दर्शन करने के बाद रोटी खाती थी, लोग उसको भगवान समझते थे। ये जहांगीर के समय की बात है, मैं वो जरोखा देखा, दिल्ली में है वो जरोखा, आगरे के किले में भी है, वहाँ वो देखते थे फिर रोटी खाते थे। समझ गया मेरी बात? और वो
राजा भी न्यायकारी होते थे। बाद में तो जुल्म बड़ा हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, आगे क्या होना वो तो बाबा फकीर जी महाराज कह गए। जहाँ बैठे होते थे हमने बात करनी, महाराज जी आगे, फिर उन्होंने कहना इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। देखे मेरे पंजाब च की होया, सारे देश च की होया, हुण की हो रहा, अगे की होना, मालिक जानता है। मालिक दया करे, हमें सद्बुद्धि दे, हमें एकता आ जाए, हमें प्रेम आ जाए, हमें भाईचारा आ जाए, ये सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये बड़ा भारत है, ये इसको भारत माता कहते हैं। इस भारत माता की हम इज्जत करें और इसको बचाएं किसी ढंग से, जैसे भी हो सकता है। अपना अपना योगदान दो और प्रेम को बढ़ाओ, प्यार को नहीं, प्रेम को बढ़ाओ। आगे आप में आपा लखा, आपे में आपा ज्ञान था, आपे में आपा ज्ञान था, ज्ञान ज्ञान था, है ना जी। अरे पढ़ दे, आप में आपा लखा, आपे में आपा ज्ञान था। अब संत मत से क्या मिला, अपने आप में आपा देखा, अपने आप में आपा देखा, हुआ माई, और अपना आपा ही ज्ञान है, अनुभव है, और कुछ भी नहीं। ये किसकी कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। तुम कौन हो, तुम क्या हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, उस रास्ते का ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप को जानना। बात समझ गए आप, आगे पढ़ो। आप में आपा लखा, आपे में आपा ज्ञान था, भरम में लटका हुआ, भरम में लटका हुआ, भूला था अज्ञान। मैं भरम में था, मैं भी 18 साल से पहले भरम में था, मुझे पता ही नहीं था। गुरु गुरु को ढूंढता था, और फिर लगा के गुरु श्री गुरु नानक साहब गुरु हैं, तो उनका जाप करता था। फिर सोचा नहीं, श्री गुरु नानक साहब के साथ तो दूसरे गुरु साहिबान का भी नाम लिया जाता है जब अरदास की जाती है, तो मैंने वो भी याद कर लिया, उनको भी याद कर लिया। तो फिर कोई ऐसा मिला वो राम राम लगा करने, राम कर, राम का नाम को मैं कह, राम तो कल्ला था ही नहीं, और ना तो लक्ष्मी भी सगा, और ना सीता भी सी, और ना हनुमान भी सा। जो कल्ले राम नू मैं जपया तो उन्हें नाराज नहीं हो जाना, सानू नहीं याद करता ये बंदा, कल्ले राम राम करी जाता। तो मैं राम सीता लक्ष्मण हनुमान, राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय, ले ही करना। क्या था, भरम था ना, बचपना था, अज्ञान था, और क्या था, बाद में पता लगा। ओहो, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक को पकड़ लो भाई, और गुरु से बड़ा दुनिया में और कोई है नहीं। और गुरु निर्लेप होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, और बिल्कुल साफ सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहिए। उसको पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, उसकी वाइब्रेशन काम करती है। ये बाबा फकीर की राय, यहाँ वाइब्रेशन है, उनकी ताकत से तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी क्या ताकत है कुछ कहना, आई हैव नो पावर टू से एनीथिंग। ये सब उनकी दया है जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी बात का खंडन नहीं करता, लेकिन यथार्थ कहने से मैं डरता नहीं हूँ। जो असलियत है वो असलियत है। ऐ इंसान, तू जो मर्जी रूप बना ले, दाढ़ी पहन, चाहे मूंड बढ़ा ले, चाहे कपड़े बदल ले, जब तक तू अंदर से नहीं बदलेगा, तेरे बाहर से बदलने का कोई फायदा नहीं। वो ढकौंसला है, वो धोखा है, अपने आप को भी धोखा देना और दूसरों को भी धोखा देना। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। शब्द के सुनते ही अंतर मैं जो गिरती सो गए, शब्द के सुनते ही अंतर
मैं जो बिरती सो गई, छिन पल में बासना माया की सारी खो जब गई। गुरु के नाम का आप स्मरण करेंगे तो फिर होता पता क्या है, आखिरी बात कह देता हूँ, माला फेरू न हर भजू, मुख से कहूँ न राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊँ विश्राम। क्यों कहा? कि जिस नाम को मैं जप रहा था वो नाम तो मुझे अंदर से पुकार रहा है, समझे कुछ नहीं, वहाँ वृत्ति नहीं रहती, अंतरिक्ष वृत्ति सो जाती है। और फिर क्या हो जाता है आखिरी लाइन? शब्द के सुनते ही अंतर में जो भिरती सो गई, छिन पल में बासना माया की सारी, माया की सारी माया नहीं हो गई। माया मीन मन के विचार, मन के ख्याल, वहां वृत्ति नहीं है तो मन कहाँ होगा। वृत्ति मीन मन से निकलने वाली वासना, वो वृत्ति है। 25 वृत्तियां हैं, 5 मान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके 5 आगे और अवगुण हैं। कामना के भी 5 रूप हैं, क्रोध के भी, क्रोध का जैसे तुम्हें क्रोध आया आंख दिखा दी, आंख से क्रोध होता है। दूसरा क्रोध आया बोलकर, ये भी क्रोध है, बोलकर जोर से बोल ले क्रोध। तीसरा क्रोध है थप्पड़ मार दिया, वो भी क्रोध है। चौथा क्रोध है धक्का मार के बाहर निकाल देना किसी को, चौथा। और 5 तक खतरनाक है, बंदा ही मार देना आउट ऑफ कंट्रोल। बता दिया ना आपको, ऐसे ही कामना के, ऐसे ही लोभ के, ऐसे ही मोह के, ये 25 है। और जब अंदर शब्द खुल जाता है तो ये 25 खत्म हो जाते हैं और वृद्धि सो जाती है और शब्द सुनता है। फिर क्या होता है आगे बोलो। राधा स्वामी राधा स्वामी राज को, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राज को, गा रहा हूँ धन्य मैं कहता हूँ अपने भाग्य को। फिर क्या हो गया? राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी गा रहा हूँ और धन्य कहता हूँ किसको? अपने भाग को। भाग मेरे को जो मिल गया, कुदरत ने जो दिया उसको कहते हैं भाग, हिस्सा, मेरा हिस्सा मुझे मिल गया। और मुझे गुरु मिल गया, गुरु से ज्ञान मिल गया, ज्ञान से जिंदगी बदल गई, जिंदगी से सुख मिला, जिंदगी से शांति मिली, जिंदगी से परम शांति मिली। और क्या चाहिए, परम शांति ही सबसे बड़ा तत्व है। और वहाँ इसीलिए मैंने लिखवाया था परम शांति स्थल जहाँ सब शांतियों का सरताज है बैठा हुआ। तभी तो बाबा फकीर जी महाराज ने एक दफ़ा कह दिया, जब किसी ने महाराज से कहा, महाराज जी आपने कहा मेरा यहाँ संस्कार करना और मेरी हड्डियों के ऊपर झंडा लहरा देना मानवता का, इससे क्या होगा? महाराज जी ने कहा जो काम मैं कर चला मेरे जाने के बाद मेरी हड्डियाँ करेंगे। क्या कहा? इस बात पर विचार करो, मैं गला खराब होते हुए भी मुझे अभय कुमार ने 2 तरह की दवाई दी, उससे कुछ फायदा हुआ, तो मैं चाहूँगा मुझे और दे दे, मैं जाता दूँ साथ ले जाऊँगा क्यों मैंने काम जाना परसों। अब ऐसा है कि मैंने वहाँ से 29 को वापस आना है, 1 तारीख को वहाँ पुणे के साथ ही 4 किलोमीटर पर एक बैडाला गांव है, बैडाला, वहाँ राणे रहते, राणे और राणों का परिवार है, और उनके पिताजी यहाँ आया करते थे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता था। उनका नाम था सरदार जोगिंदर सिंह राणा, और बेटी बैठी है उनकी,
तो वो सारा परिवार बैसाखी पर आया। उन्होंने कहा बाबा जी पहली तरीक का सत्संग हमारे होगा, हमने सारा इंतजाम कर लिया, हम आपको लेने आ जाएंगे, तो पहली को मैं वहाँ हाजिरी दूंगा और फिर आप लोगों के दर्शन यहाँ 8 तारीख को करूँगा। ठीक है, आप लोग सुखी रहो, आप सबको प्रेम भरा प्यार भरा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।